हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद हसन फ्रॉम WCWebSchool.net। जयपुरी की क्लास में हम चेंज सीएसएस का एक अपना प्लगइन बना रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर जो डिफाइन कर दिया था, यहाँ तक हमने सिर्फ ये किया था कि एक सीएसएस में जाके एक बैकग्राउंड कलर चेंज करे। तो ये तो इसकी एक ही वैल्यू मैंने डिफाइन की थी बीजी कलर की ऑप्शन में जाके। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने इस वेब पेज के अंदर। मैं यहाँ पर ये बेसिक तो मैं स्ट्रक्चर डिफाइन कर चुका हूँ जयपुरी का। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो पहले मैं सिलेक्टर लूँगा, सिलेक्टर आप मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, बॉडी का सिलेक्टर ले लेता हूँ कि होल जो मेरी पूरी बॉडी है इसका कलर ही वो चेंज करे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं उस फंक्शन को अपने प्लगइन को कॉल करूँगा, जो मेरा प्लगइन है वो है चेंज सीएसएस। तो ये उसके मैं अगर देख लूँ, क्योंकि जो सीएसएस है ये एक आप कह सकते हैं कि केस सेंसिटिव है, तो इसलिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम मैं वो यहाँ पे लिखूंगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगर इसमें एक वर्ड भी कैपिटल या स्मॉल केस में उल्टा होगा जैसा कि यहाँ पे है, तो फिर ये प्रॉपर्टी मेरी वर्क नहीं करेगी। अब मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ। जब मैं इसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज करूँगा इस अपने पेज के अंदर ये प्लगइन में, यहाँ पे पहले मैंने अपना प्लगइन कॉल करा दिया। जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करूँगा अभी ये कोई वर्क नहीं करेगा। इसको अगर मैं ब्राउज़र में ओपन भी करता हूँ तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देखें बिल्कुल सिंपल आ रहा है। तो उसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे आऊँगा, प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हमने ये जो राउंडेड ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लेके यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी थी वो थी बैकग्राउंड कलर की। ये जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर बीजी कलर में लिखा है, मैं सेम वही यहाँ पे लिखता हूँ बीजी कलर। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन लिखता हूँ। अब मैं वो यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा इसके कलर में कौन सा यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लाइट ग्रीन। हम पहले भी यही यूज कर रहे हैं लाइट ग्रीन। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे कॉमन शैडो भी कर देते हैं, क्योंकि लास्ट पे भी हमने अभी काफी सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो लाइट ग्रीन मैंने यूज किया है बीजी कलर की वैल्यू। जब इससे अब क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू दी है लाइट ग्रीन वो इसमें है लाइट बीजी कलर में, और जो बीजी कलर है वो यहाँ पे है, और ये बीजी कलर और ये बीजी कलर अब यहाँ पे भी यूज हो रहा है। और जब यहाँ पे यूज हो जाएगा तो ये सारे ऑप्शंस में बीजी कलर है तो इसको बीजी कलर मिल जाएगा। और बीजी कलर में वैल्यू क्या है वो है लाइट ग्रीन की, तो यहाँ पे लाइट ग्रीन शो मिल जाएगा इसको। और जो सीएसएस की फंक्शन है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो रन हो जाएगा। अब मैं तो ब्राउजर में उसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखते हैं। तो ये देख के हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। जैसा कि मैंने इसको लाइट ग्रीन किया तो लाइट ग्रीन हो चुका है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पे और मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से पूरे सीएसएस के। और मैं यहाँ पे साथ ही अप्लाई कर देता हूँ ये डॉट। यहाँ पे मैं डॉट ऑपरेटर ले रहा हूँ, यहाँ पे पीरियड साइन कह दें इसको, साथ में ले रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारी वैल्यू सीएसएस के फंक्शन में बार बार यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि हम सीएसएस को जब मल्टीपल वैल्यूज ले रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं कॉलन, और कॉलन के बाद सॉरी यहाँ पे लेता हूँ कॉलन, और इसमें कोटेशंस के अंदर वैल्यू, और फिर उसके बाद कॉमा साइन, और फिर इस तरह आगे प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू। तो क्योंकि इसमें अब हम साथ जेक्यूरी का मेथड भी यूज़ कर रहे हैं ऑप्शंस जो मैंने वेरिएबल बनाए थे ऊपर, तो इसके यूज़ करने के लिए अगर मैं यहाँ पे जेक्यूरी जो सीएसएस में हम मल्टीपल वैल्यूज़ लेते हैं एक साथ ही मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, तो उसके यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे डबल कोटेशन फिर सिंगल कोटेशन फिर इस तरह फिर कंकैटिनेशन लगानी पड़ेगी, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफ़ी सारे। इसमें अगर एक भी हमारा कोटेशन जो है वो आगे पीछे होगा तो मेरा ये सारा जो प्लगइन है ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि बिल्कुल इसको अलग से यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ तक मेरा सी एस एस का एक मेथड कम्प्लीट है। उसके बाद मैं यहाँ पे आप चेनिंग कह दें या इसको हम साथ मिला रहे हैं, साथ ही मैं एक और सी एस एस का ले लेता हूँ, इस तरह ये हमारे ईजी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कलर की। तो ये कलर है इसको मैंने लिखा है। अब ये मैं कलर जो डिफाइन करूँगा वो होगा मेरा टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट सीएसएस में जो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी है वो है कलर की। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ये यहाँ पे वो वैल्यू लूँगा जो यहाँ पे डिफाइन है वो है कलर की। तो ये मैं लिखूँगा कलर। आप ये ना समझे कि ये कलर भी सेम है और ये भी सेम है। ये वो चीज़ है जो सीएसएस में हम टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं। सीएसएस में जाकर कलर इक्वल टू जो भी आप रख लें, कोई आप कलर कोड दे दें, हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दें, कोई भी आप दे सकते हैं कलर नेम। ये जो कलर है वो असल में ये ऑप्शन नेम है। अगर यहाँ पे आप कलर वन लिखते हैं तो यहाँ पे कलर वन ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब सेम इस तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट पे आता हूँ
और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और ये अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि साइज चेंज हो, साइज किसका होगा, वो होगा फॉन्ट साइज। तो सीएसएस में फॉन्ट साइज चेंज कैसे करते हैं, वो प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, इस तरह हम लिखते होते हैं। और इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसमें वो यहाँ पे ऑप्शन नेम लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ये है साइज का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज, और अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, ये जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ऑप्शन मैंने डिफाइन किया यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कलर, ये सॉरी कलर लूंगा यहाँ पे कलर कॉलन, ये कोटेशन के अंदर मैं लिखता हूँ कलर, इसका हम रख लेते हैं जो मेरा टेक्स्ट कलर है लाइट ग्रीन में कलर रेड रख के चेक करते हैं। तो ये देखें ये जो कलर है ये ऑप्शन नेम है मेरा जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, और उसको जो मैंने वैल्यू दिया है वो दिया रेड, और रेड वैल्यू जो इसमें स्टोर होगी और ये पूरे जो इसको मेरा फंक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं करता हूँ रिफ्रेश अपने ब्राउज़र को, तो ये देखिए मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो चुका है रेड में। सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसी तरह अब मैं जितनी भी मैंने ऊपर वैल्यूज दी हैं, ऑप्शन नेम दिए हैं, उनको मैं कंप्लीट करता हूँ सीएसएस में रहते हुए। ये ऑलरेडी भी काफ़ी था, चलो उसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट साइज है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं फैमिली, क्योंकि ये जो नेम है वो यहाँ पे लिखूँगा फैमिली ये वाला। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस तरह साथी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, उस पर क्या फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी है जिसमें हम फॉन्ट वेट चेंज करते हैं सीएसएस के अंदर फॉन्ट वेट। और उसके बाद यहाँ पे जो मैं वैल्यू ऑप्शन नेम देता हूँ वो ये जो मैंने रखा था वेट का वो यहाँ पे दे देता हूँ, देता हूँ वेट फॉन्ट वेट। और उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, ये जो है मैंने हम जो सीएसएस में बॉर्डर सेट करते होते हैं उसकी प्रॉपर्टी है बॉर्डर, और ये भी मैं इसके ऑप्शन नेम दूंगा जो कि मैंने ऊपर रखा है बॉर्डर का। और अब मैं इसको करता हूँ सेव, तो अब चेक करते हैं यहाँ पे लास्ट पे आप सेमी कॉलन लगाएं ना लगाएं ऐसा इशू कोई नहीं है, और लेकिन यहाँ पे हमने लास्ट पे सेमी कॉलन लगाना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने ये कितने ऑप्शन दिए थे, 1 2 3 मैंने 6 ऑप्शन दिए मैंने, और यहाँ पे सीएसएस भी मैंने 6 सीएसएस मेथड भी अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे आता हूँ, हमने बीजी कलर दे दिया, कलर दे दिया, अब मैं सेट करता हूँ आगे पीछे भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने अब साइज फैमिली वेट और बॉर्डर सेट करने हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ कॉमे के बाद यहाँ पे लिखता हूँ साइज, तो साइज मैं कैसे दूंगा, हम यहाँ पे लिखते हैं 35। हम जे क्यूरी में हम पिक्सल नहीं लिखते होते, सिंपली होता है। मैं यहाँ पे अब फ्रेश करता हूँ, तो देखें ये मेरा फॉन्ट साइज है वो चेंज हो चुका है, प्लगइन के थ्रू चेंज हो रहा है सारा काम। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैमिली, फैमिली क्या होगी वो मैं लिखता हूँ कोटेशंस के अंदर, क्योंकि जो स्ट्रिंग होते हैं उसको हम कोटेशंस में लिखते हैं, अगर जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको हम विदाउट कोटेशंस लिखते होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोनोटाइप कर्सिवा, ये फॉन्ट कर्सिवा ये फॉन्ट फैमिली है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये जो है मोनोटाइप कर्सिवा में चेंज हो चुका है। इसको मैं 55 रख देता हूँ फॉन्ट साइज को। तो उसके बाद अब मैं देखूँ तो फॉन्ट फैमिली भी चेंज है, साइज भी, उसके बाद क्या रह गया हमारा फॉन्ट वेट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेट, जो मैंने वहाँ पे ऑप्शन नेम दिया है वो यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे उसके या तो आप बोल्ड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे लिखें स्ट्रिंग के अंदर बोल्ड कोटेशंस के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग है बोल्ड तो ये बोल्ड हो जाएगा ऐसे। अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं वैल्यूज न्यूमेरिक में, अगर मैं 900 लिखता हूँ तो विदाउट कोटेशन लिखूंगा तो फिर भी ये बोल्ड ही रहेगा, और अगर आप 700 जैसे जितना बोल्ड करना चाहते हैं आप ऐसे इसको वैल्यू दे दें। उसके बाद फिर कॉमा, और लास्ट पे हमारा एक रह गया है बॉर्डर, मैं वहाँ यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर चेंज। तो बॉर्डर कैसे चेंज होगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोटेशंस के अंदर लिखता हूँ कि 4 पिक्सल डॉटेड ले लेता हूँ, डॉटेड हम यहाँ पे कौन सा ब्लू ले लेता हूँ मैं ब्लू, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब देखें ओ मेरा बॉर्डर क्यों नहीं चेंज वर्क कर रहा, एक मिनट मैं दोबारा से देखता हूँ बॉर्डर बॉर्डर, यस ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे बॉर्डर आता है बॉर्डर, और अब मैं देखता हूँ अब उम्मीद है वर्क करेगा।
नोप, इसमें स्टे क्या हो सकती है, ये भी बॉर्डर ठीक है, बॉर्डर की वैल्यू ये भी ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, इसमें तो कंफर्म है, इसमें भी कॉमा ये ठीक है, ये सीएसएस में ही मसला हो सकता है, ये होगा बॉर्डर प्रॉपर्टी सीएसएस की, और ये बॉर्डर यस ये ए लगा हुआ है यहाँ पे, ये ए नहीं आएगा, ये होगा बॉर्डर, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बॉर्डर, तो ये भी वही सेम है, वही चीज़ यहाँ पे लिखूंगा। तो अब जो इसको मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब इसको प्रॉपर्टी को वर्क करना चाहिए, तो ये देख लें, अब जो बॉर्डर है यहाँ पे डॉटेड ग्रीन सॉरी ब्लू, वो मैंने जो बॉर्डर लगाया है 4 पिक्सल का, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ इस प्लगइन में जो मैंने अब प्लगइन बनाया चेंज सीएसएस के नेम से, इसमें मैंने जो सिर्फ एक ही मेथड को टारगेट किया हुआ है सीएसएस का जेक्यूरी के अंदर जो है, तो ये मकसद था आपको बताना, आपको समझाना कि किस तरह हम प्लगइन बनाते हैं और किस तरह प्लगइन के अंदर हम ऑप्शंस या वैल्यूज दे सकते हैं, और जिन और इन वैल्यूज को हम इस यहाँ पे आकर पास करते हैं। तो ये काम सीएसएस में भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ आपको मैं जब क्योंकि मैं प्लगइन्स करवा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है ये चीज़, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ भी करवा दी। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ आप लेते हैं नल, और यहाँ पे भी आप लिख लें नल, तो फिर भी ये जो प्रॉपर्टी है ये वर्क करती रहेगी, अगर देख लें कोई इसमें एरर नहीं है, देखिए प्रॉपर्टी चल रही है, तो ये आपकी मर्जी है, आप नल यूज़ करते हैं या उसको एम्प्टी रख सकते हैं, एज यू विश। तो ये यहाँ पे हमने जिसके 6 ऑप्शंस पास किए हैं, तो यहाँ पे मैं आपकी मर्जी है आप कितने पास करना चाहते हैं, और क्योंकि आप ये प्लगइन मैंने बनाया है, अगर इस किसी को इस चीज़ का पता नहीं होगा कि क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो होगी या इसके जो रूल्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करूँगा, तो फिर ही अगले बंदे को पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो स्लाइडर, अब मैं आपको करवाऊँगा स्लाइडर नेक्स्ट मेरी क्लासेज होंगी, उसमें हम इमेज स्लाइडर बनाएंगे, एक इमेज स्लाइडर होगा ब्लूबेरी का और दूसरा जो इमेज स्लाइडर होगा वो बीएक्स स्लाइडर होगा, तो इसमें जो ब्लूबेरी है उसमें अगर हम स्पीड को चेंज करें तो उसमें इंटरवल की आता है शायद, और तो जो ब्लू बीएक्स स्लाइडर उसमें हम स्पीड को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं स्पीड का ऑप्शन, स्पीड की मीन्स कि कितनी स्पीड से ये जो है स्लाइडर आए, तो या इमेज स्लाइडिंग करें कितनी स्पीड से, तो उसमें वो सिर्फ उनकी अपनी होती है, जैसे वो अपने वहाँ पे चेंज करें, अगर उन्होंने स्पीड रखा है तो दूसरे इंटरवल रख दिया, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे साइज रखा है, या ये साइज फॉन्ट साइज के लिए रखा था, ये आप जैसे कलर था, ये कलर मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कलर वन, ये कलर वन तो सीएसएस में कोई चीज़ ही नहीं है, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिख लेता हूँ सॉरी यहाँ पे कलर वन है, तो इसमें भी मैं आता हूँ, ये भी कलर वन ही करूँगा, और उसके बाद लास्ट पे ये जी कलर है ये भी वन ही रखूँगा। तो लेकिन ये जो कलर है ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख लें फॉन्ट के जो कलर में कोई चेंजिंग नहीं है, इसको मैंने रेड दिया था रेड ही है। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने प्लगइन बनाया है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और पसंद भी आया होगा। ये मेरी वेबसाइट है w3upschool.net, आप इसको विजिट करते रहें, हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लें, और फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है इसी के नेम से ही है w3upschool.net, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिस्कशन चलती रहेगी, आंसर क्वेश्चनिंग होगी वहाँ पे, और फेसबुक के ग्रुप में पेज में या मेरी वेबसाइट को आप ओपन कर लें, तो उसमें हमारे जो यूट्यूब है उसको ऑफिशियल चैनल का लिंक नज़र आएगा, आप उसको ओपन करके उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि उसमें जितनी भी वीडियोज़ होंगी वीडियो कोर्सेज होंगे वो मैं उस पर ही पोस्ट करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।